फाउंडेशन है जो कि ऑलरेडी यहाँ गणपति व्यवस्था का जो यहाँ पे उन्होंने 11 दिन गणपति रखी है, और इससे ये कि प्रेम सौहार्द और भाईचारे का एक यहाँ से जो है एक संदेश जाता है, और इसके लिए जो है सदैव जो मौजूद सिरपा फाउंडेशन हर गरीबों के लिए या आर्थिक सहमत जो भी रहें उनके लिए सतत पर तैयार रहते हैं। अमित सोनावणे शिवसेना शाखा प्रमुख आज इथे मोदी सिनप्पा आहे, आमचं जे पूजा आहे गणेशोत्सव खूप धूमधामामध्ये सगळीकडे साजरा होत आहे, तसंच तोच गणेशोत्सव आज मोदी सिनप्पा फाउंडेशन किंवा मोदी सिनप्पा यांच्या घरामध्ये खूप उत्साहाने साजरा होत आहे। आणि आज सत्यनारायणच्या पूजेसाठी आज आम्ही आमंत्रित झालो आणि आज इथे आलो, खूप बरं वाटलं, खूप छान वाटलं। सभी को जय महाराष्ट्र। आज जो मोदी सिनप्पा जी ने जो है गणेशोत्सव का कार्यक्रम रखा हुआ है, आज उनका सत्यनारायण पूजा है, और मोदी चिन्नप्पा जी ऐसा है समाज सेवा हमेशा करते रहता है, उनकी माध्यम से इस शुभ अवसर पर हम सभी मीराबेंद्र वासियों को गणेशोत्सव का हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं। और इसी तरह मोदी चिन्नप्पा जी हमेशा समाज सेवा करते रहता है, मोदी चिन्नप्पा जी का फाउंडेशन की तरफ से, और अभी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम मीराबेंद्र शहर में रखा गया था, सभी प्रोग्राम में सभी लोग शामिल होते हैं और सभी जगह पर सहयोग करता है। जय महाराष्ट्र। मोदी सर जे आहेत ते नेहमी काही ना काही प्रत्येक वेगवेगळे कार्यक्रम राबवत असतात, जनावरांसाठी झालं, माणसांसाठी, ट्रॅफिकसाठी, असे वेगवेगळे कार्यक्रम राबवत राहतात। आणि ते एक वेगळ्या कास्टचे असूनसुद्धा प्रत्येक कास्टचे सण असू द्या, काही असू द्या, त्यौहार ईद म्हणा, बकरी ईद म्हणा, हे आपलं रक्षाबंधन म्हणा, सगळंच त्यौहार ते नेहमी दिवाळी वगैरे साजरं करत राहतात। ऑफकोर्स पहिले महानगरपालिका मे तो इनको आना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये काम करते हैं ये सभी को पता है, ये एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर है हमारे भाई, और बहुत ही अच्छा काम करते हैं समाज के लिए। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी हमारी कम्युनिटी की तरफ से कि ये हमेशा हमारे भाई जीते है ना, और हमेशा नगर पालिका में रहे। और मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं आई उनके घर पे, आज तो बहुत ही अच्छा खुशी का दिन है, बप्पा इनके घर में विराजमान है, स्थापना की उन्होंने बप्पा की, और इनके बप्पा बहुत ही सुंदर है। और यही बोलना चाहूँगी, पहली बात तो हमें बहुत इज्जत दी है घर में बुला के, भाई ने बहुत इज्जत दी है, देखा आपने हमारा सम्मान वगैरह किया है। और मैं यही दुआ करूँगी, यही प्रार्थना करूँगी बप्पा से कि सालों साल भाई ऐसे ही काम करते रहे। आज मुझे सिनप्पा जी के यहाँ पर सत्यनारायण की पूजा है। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत गणपति की, उनके परिवार को, मीरा भाईंदर के आवाम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बप्पा से और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो भी मनोकामना है और मीरा भाईंदर के आवाम की जो भी मनोकामना है बप्पा पूरी करे। सिनप्पा जी के इधर गणेश चतुर्थी के इसमें हम लोग गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने आए हैं, और मीरा भाईंदर के सभी जनताओं का हम लोग बप्पा से आशीर्वाद मांगने आए हैं कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, जिसने जिसने जो जो आशीर्वाद मांगे हैं उन सब के आशीर्वाद उनको मिले। मैं दर्शन भी लिया के लिए अभी तो उनको तो मालूम है सब, अभी वो क्या नए नए उनको मालूम है उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो तो करेगा। गणपति नहीं हमारे, मैं तो गणपति के लिए ये मांग रहे कि शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हमारे जो नेता है, और शिवसेना ये मेरा पूरा महाराष्ट्र में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का जो ये अभी इलेक्शन आने वाले, ये इलेक्शन में सभी पार्टी हमारी मजबूत से साथ में आना, सभी भक्तों लोग को जो 12 दिन भक्तों लोग ने हंसी मजाक और पूजा पाठ से जो गणपति का त्यौहार किया, फेस्टिवल किया, सभी गणेश भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो मुंबई एक आमतौर का शहर है, यहाँ जब आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले ऑफिस जाने का सोचता है, फिर आपको आगे सो जाता है, एक रिजॉर्ट जैसा है। जो रक्षाबंधन गया, गणपति का त्यौहार है, नवरात्र है, लोग उत्सुकता से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए रुकते हैं करके, तो आपका ईद भी आ जाता है, गणपति बप्पा भी आ जाते हैं, नवरात्र भी आ जाता है, फिर एंडिंग होता है क्रिसमस से। तो ये जो त्यौहार का माहौल होता है, लोग ट्रैफिक के लिए दिखते नहीं है, लोग छुट्टियाँ मांगते हैं, सरकार भी छुट्टियाँ देती है, और कोंकण के लिए काफ़ी राजनीतिक पार्टी व्यवस्था करते हैं कि लोग कोंकण में जाए, अपने निवास स्थान पर गणपति बप्पा का, तो एक छुट्टी का माहौल होता है, और आप देखिए वो सभी सभी जाति धर्म वाले मिलकर इस उत्साह को मनाते हैं। आपको मिला है, आप
देखिए, एक शिवसैनिक जो है वो कोई भी पद पे हो उसको काम करना है। आप आज अभी 5 मिनट में कोई भी शिवसेना की शाखा में जाइए, किसी भी पक्के व्यक्ति को बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो खुद आपके लिए दौड़ेगा। भले वो हॉस्पिटल का बात हो, पुलिस स्टेशन का बात हो, कहीं पर कुछ झगड़ा हो रहा है सुलझाने की बात हो, या किसी को एम्बुलेंस की सुविधा हो, हॉस्पिटल हो, या पारिवारिक जो मतभेद होता है, काफ़ी चीज़ें जब एक शिवसेना वाला जाता है, शाखा प्रमुख जाता है, चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो पद के हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे तो ठीक है, मेरा शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है कि मुझे मेरे साथ साथ मेरे साथ जो मेरी टीम है, जो मेरे सहभागी, जो मेरे कार्यकर्ता है, उनका भी मनोबल बनाना है। और आने वाले कुछ ही महीनों में इलेक्शन से खासदार का भी है, आमदार का भी है, नगर सेवक का भी है, तो कहीं ना कहीं जो बाला साहब का सपना था, जो 2 बार सरकार बनी है, अब तीसरी बार बनती जाएगी। आपने सबू नगर सेवक किया, देखिए उनका प्यार है। आप वो किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा काम कर रहे हो, भले वो क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, राजनीति हो, या पुलिस में हो, जब कोई अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करता है तो लोग एक दूसरे की उसकी कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं। कितने दिन आप छुपे रहोगे, तो मैं भी काफ़ी लोगों का तारीफ करता हूँ जब मैं उनके प्रोग्राम में जाता हूँ या मुझे कुछ बाइट दी जाती है। तो अगर आप अच्छा काम करोगे इरिस्पेक्टिव कौन से भी पार्टी में हो, कौन से भी क्षेत्र में, तो होता है। आपने देखा होगा तेंदुलकर धोनी की तारीफ करता है, धोनी विराट कोहली की तारीफ करता है, गावस्कर साहब को रिटायर होकर 25 साल हो गए फिर भी आज विराट कोहली का तारीफ करता है। तो उसी तरह राजनीति में भी आप देखोगे, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी तारीफ होगी। मैं खुश हूँ कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे के साथ जुटने के साथ पिछले 15 साल से मैं हूँ। आज दूसरी राजनीतिक पार्टी, आप शायद नेताजी आए थे, उन्होंने कहा इसको विधायक बनना चाहिए, नगर सेवक का इलेक्शन हो, तो अच्छा लगा। और उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया था, शायद आप लोग नहीं पूछा था। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग नगर सेवक और ये सब बातें नहीं करें, त्यौहार के बारे में बात करें।